Subscribe now to receive new updates every day. ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में चल रहे एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में खिलाड़ी नहीं बल्कि फैंस के भिड़ने का मामला सामने आया है। मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को स्टेडियम में बैठे दो फैंस आपस में भिड़ गए। ये लड़ाई वहां हुई जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम के फैंस बैठे थे। अब इस भिड़ंत की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि अब तक झगड़े का कारण सामने नहीं आया है, लेकिन ये तो साफ है कि ये लड़ाई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के फैंस के बीच नहीं हुई। सिक्योरिटी के दखल के बाद ये मामला शांत हो सका था। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए अपनी पहली इनिंग में 302 रन बनाए। जेम्स विंसी ने सबसे ज्यादा 83 रन बनाए। तीन इंग्लिश प्लेयर्स ने हाफ सेंचुरी लगाई। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल स्टार्क और पेट कमिंस ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट लिए। नाथन लियोन को 2 और हेज लवुड को 1 विकेट मिला। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग में 4 विकेट खोकर 165 रन बना लिए हैं और वो इंग्लैंड से अब भी 137 रन पीछे हैं। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ 64 रन बनाकर और शॉन मार्श 44 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मैच से पहले गर्दन में आई चोट के बावजूद मैच में खेलने उतरे ऑस्ट्रेलियाई उप कप्तान डेविड वार्नर ने 26 रन की इनिंग खेली। इंग्लैंड के लिए अभी तक एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, मोइन अली, जैक बॉल और जो रूट एक विकेट ले चुके हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे। And don't forget to drop a like, leave a comment.